कार्यक्रम में भाग लेने फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन पहुंची इंदौर। स्वच्छता को लेकर इंदौर की तारीफ, इंदौर के पोगे जलेबी और नमकीन की भी तारीफ की। बच्चों के साथ हो रहे दुष्कर्म को लेकर कहा कि सरकार को जल्द ही इसको लेकर बिल पास करना चाहिए। मैं लगातार ऐसी घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया के जरिए अपना विरोध दर्ज करती हूँ। निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची मशहूर फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन इंदौर पहुंची। मीडिया से चर्चा में रवीना टंडन ने इंदौर की स्वच्छता को लेकर तारीफ की, वहीं इंदौर के नमकीन और पोहे जलेबी को लेकर भी तारीफ की। रवीना टंडन ने कहा कि बहुत अच्छा लगता है जब आप देश के सबसे साफ सुथरे शहर में आए हो। वहीं देश में लगातार हो रही बच्चियों के साथ घटनाओं को लेकर कहा कि मैं काफी टाइम से इस समस्या को लेकर बात कर रही हूँ। मेरे ट्विटर इंस्टाग्राम में 2012 निर्भया के समय से इस तरह की बातें चल रही हैं। मैंने एक पिक्चर भी बनाई थी, इसको लेकर बहुत जल्द एक पॉलिटिकल बिल बनाना चाहिए, फास्ट्रैक कोर्ट होना चाहिए जिससे ऐसे लोगों को जल्द सजा दिलाई जाए। बहुत खुश हूँ कि आज मुझे इंदौर में आने का मौका मिला। मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे स्वच्छ सिटी है और शहर है, एंड उसके लिए मैं सब इंदौर वासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही जरूरी है कि हम अपना वातावरण, हम अपना शहर एकदम साफ रखे, सुथरा रखे। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, यहाँ की नमकीन बहुत अच्छी लगती है और मेरी डैडी को भी। मैडम रवीना जी देश में जो बच्चियों के साथ जो घटनाएं हो रही उस पर क्या कहना चाहेंगे? दुष्कर्म की घटना है मैम, लेकिन आपका पर्सनल, लेकिन मैडम खेली बेटी है आपकी, होटल में करेंगे प्लीज, यहाँ होटल में मना कर दिया है क्योंकि लोगों का शोर रुका है। आप तुम आईडी जल्द दिखाओ मैम, देश का इतना गंभीर मुद्दा है, देश का इतना गंभीर मुद्दा है मैम। मैडम आप सेलिब्रिटी है, आपकी एक सोच लोगों में आप मैसेज देगी मैडम, क्या लगता है आपको? कमेंट आपका बनता है मैम, इतना मतलब देश की इतनी बड़ी, सॉरी वापस कहिए, जिस तरह से बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है देश में, मैं काफी टाइम से समस्या के बारे में बात करती जा रही हूँ। आप मेरे ट्विटर पे सुनिए चाहे इंस्टाग्राम पे हो, मैं 2012 से आई थिंक जब से निर्भया हुआ था तब से ये बातें चल रही है। मैंने एक पिक्चर भी बनाई थी मार्च में इसी विषय पर, क्योंकि मेरे बहुत दिल के करीब है। मैं समझती हूँ बहुत जल्द एक जो पॉलिटिकल बिल होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, ये बहुत जल्द सब इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। थैंक यू जी। अब हैदराबाद में जिस तरह एनकाउंटर,